अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल का यूज़ करके आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने कोई अपडेट करवाया है या फिर नॉर्मली आपने आधार कार्ड बनवा लिया है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाई स्टेप एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, वरना कोई भी आपको परेशानी हो सकता है। तो फिर बेहतर है कि आप एकदम शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। तो ये जो आपको लोगो नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से, आप इसको ओपन कीजिए। इसका नाम क्रोम ब्राउज़र है, तो सिंपली आप क्रोम को ओपन कीजिए। जैसे आप इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर नज़र आएगा सर्च और टाइप वेब एड्रेस। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको ऊपर में नज़र आएगा यहाँ पर होम यानी घर का एक आइकन नज़र आएगा। सिंपली आप स्क्रोल में क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है क्या, सिंपली आपको सर्च करना है UIDAI, ये आपको सर्च करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसके बाद में आपको फर्स्ट वेबसाइट नज़र आ जाएगा यहाँ पे UIDAI.gov.in। सिंपली आप इसको ओपन कीजिए। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा डाउनलोड आधार, नज़र आ रहा है। सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड आधार, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आने के बाद में जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछता है वो आपको देना होगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर देना होगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो नज़र आ रहा है ना इमेज कैप्चा, ये जो है नज़र आना चाहिए। अगर ये नज़र नहीं आ रहा है सही से तो आपको करना क्या होगा, पेज को एक बार रिफ्रेश करना होगा। तो रिफ्रेश करने के लिए आप सिंपली 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको नज़र आएगा ये रिफ्रेश वाला बटन, इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिए, ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नज़र आने लगेगा कैप्चा। तो इस कैप्चा का आप ध्यान दीजिएगा कि ये नज़र आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करना है, 3 डॉट्स पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आने के बाद में आपको नज़र आएगा ये, इस पर आपने क्लिक किया तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। आपने रिफ्रेश कर लिया तो यहाँ पर जितनी बार रिफ्रेश कीजिएगा उतनी बार ये जो है कैप्चा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आधार नंबर, सिंपली आप यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इंटर कीजिए। मैं आप अपना आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। जैसे आप अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा तो उसके बाद में आपको नीचे नज़र आएगा आई वॉन्ट अ मास्क्ड आधार। अगर ये चाहिए यानी मास्क्ड आधार चाहिए, जिसके ऊपर में जो है आधार नंबर जो है थोड़ा सा यानी कुछ ही नंबर्स दिखेंगे बाकी नहीं दिखेगा, वैसा चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा इसको चेक मत कीजिएगा, यानी ये अनचेक होना चाहिए, इसके ऊपर में टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे नज़र आ रहा है ये जो कैप्चा, इसको आपको फिल करना है इसके अंदर में। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इसके बाद में ये जो नीचे में जो लिखा हुआ है ना वही सेम टू सेम आप ऊपर में इंटर कर दीजिए, कैपिटल में SH, कैपिटल में M, फिर उसके बाद में small g small c। उसके बाद में आपको नज़र आएगा सेंड OTP। आप आधार कार्ड तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। अगर आधार कार्ड जब आपने बनवाया था या फिर अपडेट करवाया था उस टाइम पे आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा रखा है तो ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। जैसे सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में कोई OTP गया होगा, सिंपली आपको OTP यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर नहीं है तो आप जाकर के किसी भी आधार सेंटर पे करवा सकते हैं। तो ये OTP आ गया, मैं OTP यहाँ पे इंटर कर दूंगा। ये OTP मुझे नज़र आ रहा है 81030 81033 333। उसके बाद में आपको करना क्या है, नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा तो आपको नज़र आएगा ये, सिंपली आप इसमें नो कर दीजिए। आपने अगर ऑर्डर किया तो ठीक है, वरना आप नो ही नो कर दीजिए। यहाँ पे भी नो कर दीजिए, यहाँ पे भी आपको नो कर दीजिए, नॉट ऑर्डर्ड, ये आपको करना है। उसके बाद में आपको नज़र आएगा वेरीफाई एंड डाउनलोड, सिंपली आप स्क्रॉल में क्लिक कीजिए। जैसे वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद में ऑटोमेटिक ये जो है ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक जब ओपन होगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो नेम होगा यानी आपके आधार कार्ड में जो नेम है, तो नेम का जो पहला चार कैरेक्टर यानी जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है अब्दुल रहमान, यानी मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है अब्दुल रहमान, पूरा नाम है। तो इसमें पहला चार कैरेक्टर क्या होगा, ABDU, अब्दू, ये जो है मैं चार पहला कैरेक्टर्स है यानी पहले चार कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या, और वो सारे के सारे कैपिटल होना चाहिए यानी बड़ा ए बड़ा बी बड़ा डी बड़ा यू अब्दू। उसके बाद में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका साल यानी जिस साल में आप पैदा हुए थे, जो आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसका जो साल जो है वो आपको डालना है ईयर। तो ये मेरा है 1998 अब्दू।
उसके बाद 1998 मैंने डाल दिया। उसके बाद सिंपली आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड जो यहाँ पे नजर आ जाएगा, आपके आधार कार्ड के जो भी डिटेल्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे पूरे नजर आ जाएंगे और आप आधार कार्ड यहाँ पे देख पाइएगा आप अपना। तो चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने आधार कार्ड डाउनलोड किया है वो आपको कहाँ पे नजर आएगा। आपने डाउनलोड किया तो डायरेक्टली ओपन हुआ, ओपन होने का था आपने उसको ओपन कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके फ़ोन में वो कहाँ पे सेव होगा। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फाइल देख लेना है, फाइल आपको नजर आएगा, फाइल मैनेजर आपको इस तरीके से नजर आएगा, फाइल मैनेजर, या फिर अगर गूगल फाइल्स जो होते हैं वो अगर आपने डाउनलोड कर रखा होगा तो ऐसा नजर आएगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, जो फाइल मैनेजर नजर आ रहा है सिंपली आप फाइल मैनेजर ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा फोन स्टोरेज, सिंपली आप फोन स्टोरेज में जाइए। यहाँ पर आने के बाद में आपको नजर आएगा यहाँ पे डाउनलोड, सिंपली आप डाउनलोड में जब देखिएगा तो आपको नजर आ जाएगा आपका आधार कार्ड। देखिए यहाँ पे मुझे आपको नजर आ जाएगा, मुझे नजर आ रहा है ई आधार, उसी तरीके से आपका भी यहाँ पे ई आधार जो है नजर आएगा। आप सिंपली इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर बाय चांस यहाँ पे नजर नहीं आता तो सिंपली आप इसको बैक कर लीजिए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा टू डॉट, यानी सिंपली आपको सॉर्ट कर लेना है। टू डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नजर आएगा सॉर्ट, सिंपली आप सॉर्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे दे दीजिए बाय टाइम, उसके बाद में आपको पहले नजर आएगा डाउनलोड, उसके बाद में पहले नजर आ जाएगा आपका ई आधार। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्राइव पीडीएफ व्यूअर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा तो मैं सिंपली वही पासवर्ड इंटर करूँगा जो पासवर्ड मैंने आपको बताया था, ABDU1998। ये जो है क्या है पासवर्ड है किस चीज़ का, आपके आधार कार्ड का, क्योंकि जो भी आधार कार्ड डाउनलोड होता है तो उसका जो है पासवर्ड यही रहता है, आपके नेम का फर्स्ट 4 कैरेक्टर और आपका डेट ऑफ बर्थ का, जो आपके पैदाइश का जो साल है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प किया होगा आधार कार्ड डाउनलोड करने में। कोई भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।